ये एक बुनियादी चीज है जो हर इंसान को जरूर करनी चाहिए थोड़ी सी दूरी होगी तो चीजों को देखने का आपका नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा अचानक मन की गतिविधि एक बढ़िया मनोरंजन बन जाएगी अचानक आप पाएंगे कि आप अपने शरीर और अपने मन का इस्तेमाल किसी भी तरह कर पा रहे हैं अब वो फिर से अपना हुक्म नहीं चला पाएंगे मैं मुश्किलों का इस्तेमाल अपने विकास के लिए कैसे कर सकता हूं मुश्किलों का एक अवसर के रूप में कैसे फायदा उठाएं जब हम मुश्किल कहते हैं तो जीवन में सिर्फ शारीरिक मुश्किलें आ सकती हैं मानसिक मुश्किलें आपकी वजह से आती हैं पर शारीरिक मुश्किलें बाहरी परिस्थितियों के कारण स्थान और कई दूसरी चीजों के कारण हो सकती हैं तो शारीरिक मुश्किलों में कुछ दर्द हो सकता है तो शारीरिक कष्ट शारीरिक कष्ट से गुजरने वाले लोग हमेशा मजबूत होकर उससे बाहर आते हैं क्या ऐसा है हमेशा आपकी ट्रेनिंग से ही पता चलता है शायद से एक सैनिक होने की ट्रेनिंग युद्ध लड़ने से ज्यादा मुश्किल है अगर जोखिम की बात ना करें अगर मुश्किलों को देखें तो ट्रेनिंग बेमतलब की कठिनाई लगती है हमेशा सैनिक के मामले में भी ऐसा है और योगी के मामले में भी ऐसा ही है उन्हें सुबह चार बजे उठकर योग करना पड़ता है मन पूछेगा बेवकूफ तुम जाग क्यों गए हो सभी सो रहे हैं ना योगी के लिए भी यही समस्या है मन पूछेगा बेवकूफ तुम सुबह चार बजे क्यों उठ रहे हो और कर क्या रहे हो सभी सो रहे हैं वो सात बजे उठकर कॉफी पीते हैं तुम क्या कर रहे हो बट बिकॉज यू पुट योर बॉडी वॉलेंट्री थ्रू दट हार्डशिप इट गेट्स यू टू योर प्लेस वेर नो बडी गर्ल्स कैन गेट पर क्योंकि आपने स्वेच्छा से अपने शरीर को उस मुश्किल में डाला है इसलिए आप ऐसी चीज का अनुभव कर पाते हैं जो दूसरों की पहुंच से बाहर है है ना तो शारीरिक मुश्किल एक जबरदस्त संभावना है क्योंकि इंसानी शरीर की प्रकृति ऐसी है कि यह इस्तेमाल के साथ ही बेहतर होती है अगर आप इसे स्वेच्छा से करते हैं तो मुश्किल में भी आनंद होगा इसे अनिच्छा से किया जाए तो यह सबसे भयानक चीज होगी तो सवाल सिर्फ इच्छा और अनिच्छा का है जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा यह आपके क्षेत्र की सच्चाई का मजाक बनाने की बात नहीं है जिसे आप मुश्किल ड्यूटी समझते हैं यानी अगर सेना में किसी को सजा देनी हो तो शायद उसे बीस हजार फुट की ऊंचाई पर भेजा जाए लेकिन जो लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं जो बीस हजार फुट तक चढ़ते हैं उन्हें लगता है कि वो शानदार है है ना तो फर्क क्या है फर्क सिर्फ मानसिकता का है कोई इसे स्वेच्छा से कर रहा है कोई दूसरा सोचता है कि उनके साथ जबरदस्ती हो रही है बस इतना ही फर्क है देखिए यही तो जीवन है हम जहां कहीं भी हैं जो कुछ भी जीवन के किसी भी पल में अगर हम कोई काम अपनी इच्छा से करते हैं तो वो स्वर्ग के समान है जो काम हम इच्छा से नहीं करते वो नरक है है ना कुछ भी चाहे कुछ भी हो क्या आपको गुलाब जामुन पसंद है नहीं नहीं मैं इन ऑफिसर से पूछ रहा हूं क्या आपको गुलाब जामुन पसंद है तो अभी मैं ढेर सारे गुलाब जामुन लाने वाला हूं और मैं ज्यादा से ज्यादा गुलाब जामुन आपके मुंह में डालने वाला हूँ गुलाब ये आपके जीवन का सबसे बुरा अनुभव बन सकता है है ना जब आप गुलाब जामुन खाना चाहते हैं और आप उसे अपनी इच्छा से उठाकर खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जब आप नहीं खाना चाहते तब अगर कोई उन्हें आपके मुंह में ठूसने लगे तो भयानक होगा तो फर्क केवल इच्छा और अनिच्छा का है यही वो बुनियादी चीज है जो हर मनुष्य को करनी चाहिए अभी देखिए हम जो कुछ भी करें अगर मेरे पास कोई विकल्प होता तो मैं कुछ और करता लेकिन अभी मैं ये कर रहा हूं मान लीजिए मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अगर उसे इच्छा से किया जाए तो जो चीज आपको पसंद नहीं है वो भी एक शानदार प्रक्रिया बन जाएगी अगर उसे अनिच्छा से किया जाए तो आप देखेंगे कि वो एक भयानक प्रक्रिया बन जाएगी पर जो मुझे पसंद नहीं है उसे मैं अपनी इच्छा से क्यों करूं ठीक है अगर आपको पीड़ित होना पसंद है तो ठीक है अगर आपको पसंद नहीं आता तो कल ऐसा ना करें पर आज जब आप इसे कर रहे हैं तो इच्छा से करें अगर आप इसे स्वेच्छा से करते हैं तो वो चीज भी जो आपको लगता है कि आपको पसंद नहीं है वो भी एक बड़ी खुशी और विकास की एक प्रक्रिया बन जाएगी तो निश्चित तौर पे शारीरिक मुश्किलों से बड़े पैमाने पर खुद में संतुलन और खुशहाली लाई जा सकती है मानसिक मुश्किलें पूरी तरह से आपकी बनाई हुई हैं। कोई दूसरा आपके लिए मानसिक मुश्किलें नहीं पैदा करता केवल आप ही अपने साथ ऐसा कर सकते हैं है ना इसे रोकने के लिए जैसा कि मैंने कहा ईशा क्रिया आप सभी को करनी चाहिए क्योंकि इससे आपको थोड़ी दूरी मिलेगी थोड़ी दूरी थोड़ी सी दूरी से चीजों को देखने का आपका नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा यह कुछ ऐसा है आप ट्रैफिक जैम देखते हैं कि आप किसी ट्रैफिक जैम में हैं आप उसमें फंस गए हैं सभी एक दूसरे को कोस रहे हैं गुस्सा हो रहे हैं और दिल्ली में लोग एक दूसरे को मार भी देते हैं ट्रैफिक जैम में लोग एक दूसरे को मार देते हैं मान लीजिए आप हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर में बैठे हैं और नीचे देखते हैं तो ट्रैफिक जैम वाकई अच्छा लगता है क्या आपने कभी इस पर गौर किया है वो काफी अच्छा दिखता है सिर्फ इसलिए कि थोड़ी दूरी है यही बात आपके शरीर और दिमाग के साथ भी है अगर आप थोड़ी दूरी बना लें, जब मैं दूरी कहता हूं तो आपको ये समझना होगा कि आपका शरीर आपने इकट्ठा किया है आपका मन आपने इकट्ठा किया है तो दूरी बनाना संभव है अगर आप थोड़ी दूरी बना लेते हैं तो अचानक मन की गतिविधि एक बढ़िया मनोरंजन बन जाएगी मन सकारात्मक नहीं होगा न ही नकारात्मक होगा बस एक अच्छा मनोरंजन होगा ये नकारात्मक या सकारात्मक तभी होता है जब आप इसमें फंस जाते हैं इससे थोड़ा बाहर जाने के बाद अचानक आप पाते हैं कि आप अपने शरीर और मन का उपयोग किसी भी तरीके से कर पा रहे हैं फिर वो आप पर हुक्म नहीं चलाएगा तो शारीरिक मुश्किलों का जरूर फायदा उठाया जा सकता है वो किसी इंसान को ताकत और खुशहाली के गहरे स्तर तक ले जाने के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है मानसिक कष्ट आपके अपने बनाए हुए हैं आपको उन्हें रोकना होगा